नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध समीकरण के निर्माता अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रभावशाली बायोडाटा था। लेकिन महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये बात आप शायद ही जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक शीर्षक था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, वो था इजरायली की प्रेसिडेंसी। इजरायल के पहले राष्ट्रपति जेम विजवन ने कहा कि आइंस्टाइन सबसे महान जीवित यहूदी थे, इसलिए 9 नवंबर 1952 को विजवन की मृत्यु के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन केवल एक उत्तराधिकारी जो सबसे स्वाभाविक रूप से फिट लग रहा था, जिसे इजरायली की एम्बेसी ने 17 नवंबर को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पत्र भेजा, जिसमें आधिकारिक तौर पर उन्हें राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी। पत्र में कहा गया कि उन्हें इजरायल आना होगा, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि ये नौकरी उनकी ध्यान भटका रही है। आखिर ये सिर्फ एक प्रेसिडेंसी की पद थी। इजरायली डिप्लोमेट अब्बा इवन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को लिखा, प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में आपके महान वैज्ञानिक कार्यों को आगे बढ़ाने की पूरी सुविधा और स्वतंत्रता एक सरकार और लोगों द्वारा वहन की जाएगी जो आपकी मजदूरियों को सर्वोच्च महत्व के बारे में पूरी तरह से सचेत है। और सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की वृद्धावस्था के बावजूद वो उस समय 73 के थे, तभी भी वो एक लोकप्रिय पसंद थे। एक बात तो ये है कि हिटलर के सत्ता में आने के दौरान जर्मनी में जन्मे प्रोफेसर के रूप में अमेरिका में शरण लेने वाली यहूदी के लिए एक उत्पीड़न मुक्त अभयारण्य की स्थापना के लिए लंबे समय से सर अल्बर्ट आइंस्टाइन वकालत कर रही थी। लेकिन आखिरकार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजरायल की प्रेसिडेंसी के राष्ट्रपति पद की नॉमिनेशन को ठुकरा दिया था। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।